कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं है। अगर एक सांसद चाह ले ना तो एम्बुलेंस दे सकता है, उसके पास फंड है। नौकरियों की बात है, दूसरा घोषणा देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चों की नौकरियां, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, रोजगार मेला लगा के हम लोग पूर्णिया में नौकरी देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं देता हूँ पप्पू की गारंटी। अरे यहाँ लोगों ने गारंटी दिया है, यहाँ जनता ने गारंटी दिया है पप्पू यादव को, जीत की गारंटी दी है पूर्णिया वालों ने। पप्पू यादव की जीत की गारंटी जनता ने। एक व्यक्ति केंद्र में बैठा हुआ है जो कहता है हमारे नाम की गारंटी। अरे नाम की कोई गारंटी होती है? गारंटी एजेंट से लाभ होता है, दिखाइए ऐसी ताकत, दिखानी है तो। आप हमारे ही चंपारण में बेतिया में आए थे ना प्रधानमंत्री, क्या भीड़ थी वहाँ पे, क्या आज पता पूर्णिया कार्यक्रम पप्पू यादव का जन सैलाब आज उमड़ गया था पूरे पूर्णिया में। पूर्णिया के लगभग सारे मार्केट पूरी तरीके से जन सैलाब से भरा पड़ा था, बहुत सारे लोग मैदान नहीं पहुंच पाए, जगह जगह है जहां तहां फंसे रह गए। हमारे साथ पप्पू यादव के सिपाही है, पप्पू यादव के नेता है, क्या लग रहा है पूर्णिया में जन सैलाब उमड़ गया था? देखिए पूर्णिया ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब पूर्णिया का आशीर्वाद पूर्णिया के बेटे आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ है। वो व्यक्ति जो चुनावी एजेंडे पे नहीं, यहाँ की मूलभूत समस्याओं पे चुनाव लड़ना चाहता है, वो पूर्णिया के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता है। आज की जो सभा है ये कोई चुनावी सभा नहीं थी, ये महापंचायत को यहाँ पे पूर्णिया के लोगों ने आके इस बात की घोषणा कर दी है कि अगर अब कोई भी सांसद होगा तो पप्पू यादव होगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। बहुत ज्यादा घोषणा कर दी है। देखिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं है, अगर एक सांसद चाह ले ना तो एम्बुलेंस दे सकता है, उसके पास फंड है। नौकरियों की बात है तो 10,000 नौकरी, यहाँ पे 5-6 लगे हुए देख। आप देखिए मैंने भट्ट को, आप देखिए एम्बुलेंस की बात हो रही है, क्या एमपी साहब एम्बुलेंस नहीं दे सकते? एक ऐसा ही एमपी चोर छपरा में था ना, जिसका उद्यन करने के बाद हमारे नेता को जेल जाना पड़ा था। दूसरा घोषणा देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चों की नौकरियां, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, रोजगार मेला लगा के हम लोग पूर्णिया में नौकरी देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, औद्योगिक कॉरिडोर, ये कौन सी बड़ी बात है? जहाँ मखान है, जहाँ मक्का हो, 5 रुपए के मक्का से आप 20-20 रुपए का चिप्स बेचने का काम कर रहे हो। वो वही कह रहे हैं कि अगर हमारा मखान लेके जाओगे तो उद्योग यहाँ लग। चौथी बात, सुरक्षा और न्याय की बात कर रहे हैं। अगर पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी भी समय आपको डीएसपी एसपी और बड़े अधिकारियों को फोन कर सकता है तो क्रिमिनल भी डरेंगे ऐसे व्यक्तियों। भ्रष्टाचार मुक्त, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर नेता चाह ले, अगर सिपाही चाह ले तो मंदिर से जैसे चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, वैसे ही नेता चाह ले तो ब्लॉक से थाने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं है दोस्त, ये मूलभूत समस्याएं हैं। और स्टेडियम जैसे होता है युवाओं के लिए स्टेडियम, यहाँ हर जगह स्टेडियम की बात उन्होंने क्या कही कि हम कोच देंगे, हम किट देंगे, हम एक्सरसाइज करने की मशीन देंगे, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ सांसद होने के बाद उस फंड से हम चार दीवारी कराएंगे। बहुत ऐसे खेल के ग्राउंड हैं जहाँ चार दीवारी नहीं है, उसका रख रखाव नहीं है, और उन्होंने चयनित कर रखा है। ये ऐसे ही नहीं घोषणा है, लगातार 6 महीने से हम लोग पूर्णिया में काम कर रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया से भी पहले हम हर प्रखंड की सभा कर चुके थे, उसके बाद हमने प्रणाम पूर्णिया करने की बात करी। और आज ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये महासभा थी, ये महापंचायत थी, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियों ने आके अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया। आप 12th पास लड़कियों के लिए 1,00,000 रुपए रोजगार की घोषणा करें। अगर हमारी बेटियां नौकरी नहीं करेंगी, जो कहते हैं ये जुमलाबाद जो केंद्र में बैठा है, नारेबाज की जो सरकार है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कैसे पढ़ाएं? कोई योजना है तुम्हारे पास? आज एक रिवाज चल रहा है ना गारंटी की, मैं देता हूँ पप्पू की गारंटी। अरे यहाँ लोगों ने गारंटी दिया है, यहाँ जनता ने गारंटी दिया है पप्पू यादव को, जीत की गारंटी दी है पूर्णिया वालों ने, पप्पू यादव की जीत की गारंटी जनता ने। एक व्यक्ति केंद्र में बैठा हुआ है जो कहता है हमारे नाम की गारंटी, अरे नाम की कोई गारंटी होती है? गारंटी एजेंट से लाभ होता है, दिखाइए ऐसी ताकत, दिखानी है तो। आप हमारे ही चंपारण में बेतिया में आए थे ना प्रधानमंत्री, क्या भीड़ थी वहाँ पे, क्या संख्या थी, दिखाइए ना जरा। और आज की संख्या दिखाइए ना कि पूर्णिया में कितनी भीड़ है। मैं भी तो चंपारण का ही बेटा हूँ, 6 महीने से यहाँ हूँ, और आज इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि जीतेगा तो पप्पू यादव ही जीतेगा, क्योंकि अब लोगों का आशीर्वाद पप्पू यादव के साथ। गठबंधन की क्या कह रहा है गठबंधन के बारे में? सर हम पूर्णिया जीतेंगे,
कोसी सीमांचल में अगर गठबंधन वालों को हमारी जरूरत है तो तुम आओ, हम नहीं जा रहे। नहीं जाइएगा, देखिए तो।